वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ वो मेरी मम्मी और दादी की ट्रेडिशनल ड्रेस कलेक्शन। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको पूरी कलेक्शन। वैसे कुल्लू मैं मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस तो ऐसे पट्टू वगैरह है, बट यहाँ आनी में ना ज़्यादातर पेटीकोट पहनते हैं मैक्सिमम, मतलब मिनिमम लोग पट्टू पहनते होंगे। तो कुल्लू में जो है बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रेस है, उनमें से एक है पेटीकोट जो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी यूँ ही बने रहे इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं कोई बकवास ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको अपने मम्मा और दादी की पेटीकोट कलेक्शन। पेटीकोट और रिश्ता दोनों मिक्सअप है इन दोनों में, और मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा शायद एक दो होंगे शायद, वो भी पूरा पता है नहीं मेरे को। तो चलो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, सबसे पुराने से शुरू करते हैं। और जो भी ये पेटीकोट लिए हैं मम्मा ने, सारे मार्केट से आनी से लिए हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला दिखाती हूँ, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था बट अब नहीं है, क्योंकि अब इसको पहनता ही कौन है। तो और इसका गला कुछ इस टाइप का है, क्योंकि ये बड़ा पुराना था ना, तो मैंने आज ही इनका सबसे पहले आता है ये वाला, जिसमें इस टाइप का कुछ गला बना हुआ है। ये वाला है पेटीकोट जिसमें गला कुछ हाफ बैंड करके ये ऐसा बनाया गया है। उस टाइम उतना ज़्यादा क्रेज होता नहीं था, होगा या उतना ज़्यादा फैशनेबल था नहीं। और ये है इसका वो पेटीकोट और नीचे से इसका स्लैक्स। तो मैं आपको ये पहन करके दिखाऊंगी अभी नहीं, पहले मैं आपको सब एक बार मतलब मैं इसकी क्लिप्स डालूंगी साथ साथ में जो भी मैंने दिखाई है आपको। तो ये सबसे पुराना वाला मम्मा का, और नेक्स्ट वन यहाँ पे दादी अपना पुराना पुटारा लेकर आए हैं। ठीक है, रहने दो मैं कर दूंगी, मैंने जिसको पहले मेरे को बताना पड़ेगा, उसके बाद शायद मैं वीडियो बना पाऊँ। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं आपको बता दूँ ब्लू कलर का है। और इसके साथ जो इसका नीचे वाला है वो है ये वाला, ये है ब्लू कलर का। तो इसको पहनने में मैं बिल्कुल, पापा की शादी के टाइम का था ना ये, मेरे पापा की शादी में पहना था दादी ने ये वाला, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, मतलब अच्छा है बट पुराने फैशन का है, बट अच्छा है काफ़ी। ये था मेरी छोटी बुआ की शादी के लिए, दादी का है ये भी, छोटी बुआ की शादी के लिए बनाया था उन्होंने ये स्पेशल। बाकी इसमें गला गुला सिंपल है बिल्कुल, और इसका ये है इसके साथ रिश्ता। ठीक है, बाकी पहन के ये ज़्यादा सुंदर लगेंगे मेरे ख्याल से। और ये भी शायद पुराना ही है ये वाला, हाँ ये भी पुराना ही होगा, देखो ये वाला बहुत अच्छा है। बाजू बुजू इसकी सिंपल है बिल्कुल, और इसके साथ है ये, पहन के दिखाऊंगी। अब हम आते हैं, एक यहाँ पे भी रह गया है पुराना पुराना पुराना, देखो ये है कुछ इस तरह हाफ बैन है इसमें, और बैन में भी अच्छा डिज़ाइन डाला हुआ है बढ़िया से। और ये है इसका क्या बोलते हैं नीचे वाला, मतलब ये आधे से ज़्यादा ऐसे इसमें ना जो अब यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि पसंद ही नहीं है किसी को तो तब जाकर। और ये है एक सिंपल है बिल्कुल सिंपल, और इसके साथ है ये, इनको ऐसे रखा जाता है ताकि ये ठीक रहे, मतलब इसमें ऐसे करके इनमें ज़्यादा वो नहीं पड़ती है चुंडे या वो। अब ये है रेड कलर में, ये बनवाया था शायद बुआ की शादी के टाइम, बड़ी वाली बुआ की शादी के टाइम। वाह इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, देखो 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 लाल परी। और अब ये गर्मा गर्म ये जो है ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ठीक है। अब इतना कौन दिखाएगा इसको उल्टा करके, ये है साथ में नीचे को ब्लू कलर का। हाँ मेरा इसमें एक है बिल्कुल नया, और यहाँ पे भी है। कितने सारे बनवाती है मम्मा गिरो, ओ माय गॉड।
और ये है कुछ इस तरह का, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये है, इसको बोलते हैं रिश्ता। और जो अभी तक मैंने आपको दिखाया ये थे पेटीकोट। और यहाँ पे भी एक इसके साथ कमीज, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ये बहुत अच्छा है। इसमें बाजू भी देखो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे। गाइस यहाँ पे ना ढेर लग गई है, अब मेरे पास तो दुकान खुल गई है अब। और थट्टू भी है एक, यहाँ पे है कौन सा कलर है, येलो, येलो कलर का देखो। ये कुछ इस तरह का है इसका रिश्ता। और मैं आपको अपना दिखाती हूँ जो मैंने आज तक कभी यूज ही नहीं किया है गाइस, क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा इसको यूज करने का, मतलब ऐसा ओकेजन नहीं मिल रहा कुछ भी, जो कि है कुछ इस तरह का। ओह माय गॉड, सबसे पहले मैं अपना पहनना पसंद करूंगी गाइस। अब जो हूँ मैं थक चुकी हूँ, इससे ज्यादा अब मुझसे नहीं होता है। तो जो भी ये बच्चे कुछ है ना, इसकी मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगी साथ में, या वीडियो डाल दूंगी। मैंने शायद एक दो के साथ में कोई याद है कि मैंने बनाई है, अब पूरा पता है नहीं, तो मैं दिखा दूंगी आपको उस टाइम नहीं, मैं अटैच कर दूंगी साथ में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इतना मेहनत करके इतना निकाला है, इतना ढूंढा है इन सबको, तो आपको क्यों नहीं पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।